ऑल राइट गाइस, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए मुंबई प्रो शो से काफ़ी सारी अपडेट्स लेकर आ चुका हूँ। बट उससे पहले दोस्तों, सीबीएम को लेकर भी ना कुछ एक अपडेट आ रही है, तो उसका भी अलर्ट मैं आप लोगों को दे दूं। तो गाइस, कल हम लोग देखते हैं कि ट्विटर के ऊपर ना क्रिस बम्सर नेम का एक पेज है जिसके ऊपर पूरे के पूरे 4.5 लाख फॉलोअर्स हैं, और यहां से ना एक पोस्ट लिखी जाती है जिसके की कैप्शन में लिखा होता है, द क्वेश्चन इज हैंग इट अप और ब्रिंग वन मोर होम। एंड इसका अगर हिंदी में अनुवाद में आपको बताऊं, तो सबसे पहले आप लोग ये देख ही रहे हैं कि इस फोटो के अंदर ना सीबीएम के हाथ में है उनका ओलंपिया मेडल। तो इस पोस्ट के अंदर दोस्तों हिंदी में कैप्शन लिखा है, सवाल ये है इसे लटकाओ या फिर एक और घर ले आओ। एंड आप लोग यकीन नहीं मानोगे दोस्तों कि फिटनेस वर्ल्ड में ना ये वाला जो पोस्ट है वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया, और काफी सारे बड़े बड़े मीडिया पेजेस ने ये वाली बात कवर की कि सीबीएम ले सकते हैं रिटायरमेंट। बट इसके कुछ ही देर बाद दोस्तों हमको एक ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलता है इयान वैलरी की तरफ से, जो कि सीबीएम की एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, क्योंकि इन्होंने हमको बताया कि बेशक इस अकाउंट के ऊपर 4.5 लाख फॉलोअर्स हैं, बट ये एक फेक अकाउंट है। एंड इसका मतलब ये है गाइस कि ये एक फेक न्यूज थी, और मुझे तो ये लगता है दोस्तों कि अभी सीबीएम कम से कम 1 या 2 साल और कम्पीट करेंगे। हालांकि अभी उन्हें कुछ भी और साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएम ऑलरेडी 5 टाइटल विन कर चुके हैं। बट अगर ये स्विच करेंगे दोस्तों क्लासिक में, तो ये वाली चीज काफी ज्यादा यूनिक होगी। हालांकि दोस्तों अगर बाकी में सीबीएम स्विच करेंगे ओपन में, तो ये वाली चीज ना इनकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि अपनी करंट क्लासिक फिजिक को ओपन के हिसाब से स्विच करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सीबीएम को ऑलरेडी काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, तो मेरे हिसाब से तो एकदम से अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा पुश करना इनके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। बाकी गाइस, ही इज अ लीजेंड, और इन्होंने अपने हिसाब से अपने फ्यूचर के लिए जो भी सोचा होगा वो बिल्कुल सही सोचा होगा, और हमें इंतजार है दोस्तों सीबीएम के ऐसे ही कुछ अपडेट का। बाकी करंट टाइम में ये जो न्यूज चल रही है कि सीबीएम लेने वाले हैं रिटायरमेंट, तो ये एकदम फेक न्यूज है। सो गाइस, इसके बाद मैं बात करूं मुंबई प्रो शो के बारे में, तो इवेंट आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि हमारे सारे के सारे जो भी चीफ गेस्ट हैं इस वाले शो के, वो सभी लोग स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं, और एक दो क्लिप्स दोस्तों मैं आपके लिए इस इवेंट से लेकर आया हूं। तो आप लोग इंजॉय कीजिए दोस्तों इस वीडियो को, और मैं ये भी ट्राई करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो भी अपडेट्स हैं भारत प्रो शो और मुंबई प्रो शो के, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप लोग भी अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से एंटिक फिटनेस इंडिया को। नमस्ते, दत्ताली कुमार जी, नमस्ते करा भाई, राम राम भाई। अब्दुल भाई, चलो चलो स्पोर्ट्स Training LC has grown an established company with a history that dates to 2008. Currently, among the top 5 gym equipment leaders in UAE, and one of the fastest growing fitness superstores, topping the international high standards sports supplements and gym equipment brands. The exclusive distributors
इधर होगा Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, and India. Over the past few years, adding few fitness centers, supplement stores, warehouses, corporate offices, and of course, we are the exclusive distributors for the gym equipment, Gymleco, all the way from Sweden, Fitgenics, a UK brand. Ladies and gentlemen, presenting you the IFBB Pro Klaus Marin Brisbillas, who is here on the stage, striking a pose with all his fans. I would request all the fans of Klaus to please come on the stage one by one, strike a pose, and let's take this memories home and tag us on Instagram as well.